देखे ना काम है, इनमें ना मरने का काम है ना मौत का खौफ, सिर्फ गर्व है। बहुत जल्द ऐसी ही आंखों में तुझे अपनी मौत नजर आएगी। कुछ याद है? फाइटर अभिनेता संजय दत्त को ऋतिक रोशन के कारण कौन सा धोखा मिला, आखिर क्या है सारा मामला? ब्रीफ बता दें आपको कि अभिनेता संजय दत्त को ऋतिक रोशन कौन सा धोखा दिया। साथ ही डालेंगे नजर एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर से जुड़े ताजा अपडेट्स पर। तो चलिए फिर, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रशा के साथ। जेल से रिहा होने के बाद से ही संजय दत्त लगातार बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उनकी कमबैक फिल्म बैंग बैंग डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बदला के तौर पर देखी जा सकती है। इस पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहीं हाल ही में ये कहा जाने लगा है कि संजय की फिल्म डब्बा भी बन सकती है। इस संजय पे क्या बीती होगी लोग कुछ नहीं जानते। फिल्म फाइटर को लेकर हो रही है जितनी चर्चा, फिल्म पर किया जा रहा है दिल खोलकर खर्चा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने संजय दत्त की फिल्म बदला को छोड़कर ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के लिए हामी क्यों भरी? डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने संजय दत्त की बात को काटते हुए एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म में काम करने की प्राथमिकता दी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफल रही और दर्शकों की उम्मीदों पर भी खरी उतरी। जब से संजय को इस बात की भनक लगी थी कि सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म कुरुक्षेत्र में भी ऋतिक रोशन के साथ काम करने के लिए हामी भरी है, उन्हें अपने साथ एक विश्वासघात महसूस हुआ। उन्हें जब ऐसा महसूस हो रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके साथ बहुत बड़ी साजिश की है, और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि संजय दत्त ने फिल्म की पूरी तैयारियां शुरू कर दी थी और ऐसे समय पर सिद्धार्थ आनंद ने उनकी फिल्म में अपना हाथ पीछे खींच लिया, जो ही बेहद दुख की बात है। खैर, आनंद की ऋतिक के साथ फिल्म फाइटर की शूटिंग नवंबर में शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने संजय को छोड़ ऋतिक से मिलाया हाथ। ऋतिक की अपकमिंग फिल्म फाइटर में सिद्धार्थ देंगे उनका साथ। संजय को इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा कि सिद्धार्थ आनंद ने ऋतिक रोशन के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया है और उन्हें धोखा देने की इतनी बड़ी साजिश चल रही है। फिलहाल संजय दत्त विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर करेंगे वापसी। फिल्म का टाइटल है मार्को भाव। कहानी पिता बेटे के रिश्ते पर आधारित है, तो संजय दत्त के चाहने वालों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। जल्द ही पर्दे पर वापसी करेंगे संजय। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। फिल्म का निर्देशक कर रहे हैं डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद और फिल्म जल्द ही फ्लोर पर आएगी। फिलहाल ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्मों में शामिल है सत्ते पे सत्ता, रांझना 2, रामायण और क्रिश 4। ऋतिक रोशन के पिता ने क्रिश सीरीज की चौथी किस्त की तैयारी शुरू कर दी है। पटकथा भी लगभग तैयार है, उम्मीद है फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। वहीं इसके बाद मधु मंटेना की फिल्म 3D रामायण में ऋतिक रोशन के किरदार को लेकर स्थिति साफ होने लग गई है। ऋतिक रोशन फिल्म में प्रभु श्री राम का रोल निभाते नजर आएंगे। सत्ते पे सत्ता का रीमेक भी आ सकता है, रोशन उसमें भी नजर आ सकते हैं। बताया गया है कि सत्ते पर सत्ता का रीमेक का लीड कैरेक्टर को लेकर पिछले काफी समय से तेज चर्चाएं चल रही हैं। विक्रम वेधा के बारे में भी कुछ दिनों से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। आमिर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, मगर उन्हें स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद फिल्म कुछ खास नहीं लगी। बाद में उन्होंने फिल्म से खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। अब ऋतिक रोशन विक्रम वेधा की रीमेक में आ सकते हैं नजर। वहीं वॉर के सीक्वल में दिखाई देंगे रोशन। बता दें कि इसके बाद एक्टर रांझना 2 में भी दिखाई देने वाले हैं। ऋतिक और सारा पहली बार आनंद एल राय के साथ काम करने जा रहे हैं। ये धनुष का दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले साल 2013 में आई फिल्म रांझना में धनुष और सोनम नजर आए थे।
अगर आपको हमारे द्वारा साझित ऋतिक रोशन से जुड़ी कुछ अनकही बातें पसंद आईं, तो चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। और बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीगार्ड स्टूडियोज के साथ। ये कहानी लिखी है